डोंगरगढ़ में दो राज्यों को जोड़ने वाली महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ अंतर्राज्यीय सड़क का अधूरा निर्माण कार्य जनता की समस्या बढ़ा रही है। मसला केंद्र में जाकर लंबे समय से अटक गया है, जबकि सड़क निर्माण में लेट लतीफी को लेकर संसद में जिले के सांसद संतोष पांडे ने प्रमुखता से उठाया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। सड़क निर्माण शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने विभागीय सर्वे के आधार पर राशि स्वीकृत की है और काम भी शुरू हो गया था, लेकिन फिर राशि बढ़ाने के नाम पर काम रुका हुआ है। अंतरराज्य सड़क निर्माण के संबंध में अधिकारी अधूरी स्वीकृति पूरी होने के बाद ही काम शुरू करने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं और भाजपा नेता सीधा इसे कमीशन का खेल बता रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि शीघ्र ही सड़क का निर्माण शुरू नहीं किया गया तो 15 फरवरी को आंदोलन और भूख हड़ताल में बैठने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि राज्य के अंतिम छोर से लगे डोंगरगढ़ क्षेत्र को केंद्र व राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है, इस लिहाज से क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए जानते हैं अंतर्राज्यीय सड़क पर एक नजर। यह सड़क छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र दो राज्यों को आपस में जोड़ती है। महाराष्ट्र बॉर्डर तक की सड़कें चकाचक हैं, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ प्रवेश करते हैं खराब सड़क का सिलसिला शुरू हो जाता है और डोंगरगढ़ ब्लॉक तक 15 किलोमीटर तक सफर करने में घंटों लग जाता है। जानकारी के अनुसार पूर्व में 7.5 करोड़ रुपए स्वीकृत होने से ठेकेदार ने काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन लागत बढ़ने के कारण बाद में सड़क को अधूरा छोड़कर काम समेट लिया। रात में हुए सर्वे के बाद राशि बढ़ाने की जरूरत पड़ गई और कांग्रेस नेता ने 5 करोड़ रुपए बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को भेज दी है। वहीं भाजपा से जुड़े लोगों का कहना है कि कमीशन खाने के चक्कर में राशि की मांग की जा रही है। दिल्ली से फिर से सर्वे की टीम पहुंची और रिपोर्ट बनाकर ले गई है, परंतु नई स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर समय रहते सड़क को निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। डोंगरगढ़ से सोन कुमार सिन्हा व प्रणय अग्रवाल की संयुक्त रिपोर्ट। बताएं तो बोरतलाव रोड के जो निर्माण कब होगा, कैसा होगा? बोरतलाव निर्माण के लिए ये जो रिवाइज एस्टिमेट जो भेजा गया था, अब लगभग सारी फॉर्मेलिटी पूर्ण हो चुकी है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी में ही शुरू हो जाएगा। हाँ, ये जो बोरतलाव जो रोड है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में, उसके बारे में बताएं। पिछली सरकार ने इस सड़क को गंभीरता से नहीं लेते हुए लगभग 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किया था। यदि उस 9 करोड़ में सड़क बनती तो 15 दिन में ही वो सड़क उखड़ जाती, क्योंकि पिछली सरकार का काम ही भ्रष्टाचार था। रोड बनाओ, 2 महीने में रोड उखड़ जाए, फिर से रोड बनाओ। परंतु जब सरकार ने देखा कि उस सरकार में, उस रोड में काफ़ी ट्रैफिक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, 20 टन 30 टन 40 टन की गाड़ियां चलती हैं, इसलिए उसकी गंभीरता को देखते हुए उसमें लगभग 14 करोड़ रुपए सेंक्शन के लिए हमने प्रस्ताव भेजा है और हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने उस पर पूरी सहमति व्यक्त करते हुए, और अभी तक जो आदेश जो होता है वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार उस पर, उनको केवल आदेश देना है, पैसा यहाँ पर राज्य में पड़ा हुआ है, पर चूंकि दिल्ली में बैठी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ लगातार उपेक्षा कर रही है, इसलिए वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अदरवाइज 14 करोड़ के सेंक्शन के स्वीकृति का सारा प्रस्ताव आदेश भेज दिया गया है केंद्र को, और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्द इस पर निर्णय होगा और रोड बनेगी। सड़क निर्माण हो रहा है जो अभी रुक गया है, उसके बारे में बताएं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह जी ने उस रोड के निर्माण के लिए 7.5 करोड़ रुपए दिए थे, और क्योंकि उस 7.5 करोड़ में प्रकल्पन जो तैयार किया थी पीडब्ल्यू द्वारा, उतने में रोड बन जाता, किंतु इनके द्वारा जैसे ही कांग्रेस शासन आया, कांग्रेस शासन उसको 13 करोड़ 14 करोड़ करवाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे को लग रहा है कि पूरा सारा कमीशन का खेल है कि जब 7.5 करोड़ में प्रकल्पन तैयार हो चुका है, टेंडर हो चुका है, काम चालू हो चुका था, काम को बंद करने का औचित्य समझ नहीं आता है। बताएं, बोरतलाव से डोंगरगढ़ रोड की लंबाई कुल 15.30 किलोमीटर है एवं इस रोड के लिए पहले 7.5 करोड़ रुपये सेंक्शन हो चुका था, जिसमें सिर्फ ठेकेदार ने रोड को खोद के रखा है एवं हाल ही में अभी 5 करोड़ रुपये फिर एक बार सेंक्शन कराया गया है, जिसके बावजूद अभी तक के रोड का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे आए दिन यहाँ गड्ढे हो गए हैं, हादसे हो रहे हैं। हाल ही में अभी कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई एवं ये
दो साल से विगत दो वर्ष से ये रोड ऐसे ही खोद के रखाया गया है। इसके लिए ग्रामवासियों ने दो से तीन बार धरना प्रदर्शन भी किया एवं अरविंद नंदेश्वर द्वारा अमरण अनशन का शुरू भी किया गया था, जिसमें आके डोंगागढ़ के तहसीलदार SDM सर ने आके ये आश्वासन दिया था कि रोड 10 से 15 दिन में बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। का जो निर्माण कार्य क्यों रुका है? ये निर्माण कार्य लगभग 1.5-2 साल से हो गया, रुका हुआ है और पूरा रोड को खोद के रख दिए। इसके लिए पूरे ग्रामीण लोग कई बार यहाँ धरना प्रदर्शन भी किए, अधिकारियों से मिले, यहाँ तक के सांसद महोदय से भी मिले, परंतु इस रोड का कोई समाधान नहीं हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 7.5 करोड़ रुपये सेंक्शन करके काम प्रारंभ कर दिए थे, अब जब बंद किए, जब गांव वाले जाके मिले अधिकारियों लोगों से कि काम को क्यों बंद कर दिए हो, तो उनका कहना है कि ये ट्रैफिक ज़्यादा चलता है, इस कारण हम इसको रिवाइज एस्टीमेट के लिए दिल्ली भेजे हैं। हमारा कहना यही है कि जितना में सेंक्शन हुआ था कम से कम उतने में ही 7.5 करोड़ में रोड बना दे रहते, तो आज जो आए दिन दुर्घटनाएँ हो रहे हैं, ट्रक पलट रहे हैं, अब यहाँ के छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज डोंगरगढ़ जाते हैं, उनके साथ कभी भी अनहोनी घटना होने का संख्या हम लोगों में बना रहता है। अभी हम महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर है वहाँ पास खड़े हैं, और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ग्रामीण हैं, उसमें कुछ महाराष्ट्र के लोग भी हैं। तो ये जो पिछले 1.5 साल से जो सड़क नहीं बन रहा है, इसके कारण बहुत बार एक्सीडेंट हो गया है, कभी ट्रक किसी के दुकान में घुस जाता है। तो आइए पूछते हैं आखिर सड़क क्यों नहीं बन पाया, ग्रामीणों से चर्चा करते हैं। ये जो सड़क जो छत्तीसगढ़ जो बॉर्डर महाराष्ट्र बीच बॉर्डर है, इसके क्या स्थिति क्यों ऐसा हुआ बताइए। बोरतला से डोंगरगढ़ में, डोंगरगढ़ से यहाँ से ठेकेदार द्वारा 7.5 करोड़ राज्य सरकार द्वारा पास हुआ 7.5 करोड़ रुपए, जिसमें से रोड नहीं बना है, यहाँ पे पत्थर बस में खोद के चले गए, रोड को पूरा खोद के चले गए लोग, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, स्कूल के बच्चे लोग आए दिन एक्सीडेंट में गिर रहे हैं। कोई बड़ा दुर्घटना भी हुआ क्या? बड़ा दुर्घटना किसी की मृत्यु हो गई है यहाँ पे ग्रामीण द्वारा, ग्रामीण कई बार चक्का जाम किया गया है यहाँ पे, कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। राष्ट्र के सड़क को दिखाए, ठीक इसी प्रकार आप कैमरामैन से जाओ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।